एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नीलम होम एंड किचन में। और आज मैं आपके लिए कोई ब्लॉग कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं उस शख्सियत के बारे में बताना चाहती हूँ जो 60 लाख लोगों के दिलों में राज करती है, रक्षा की रसोई के बारे में। तो उनका कुकिंग से रिलेटेड चैनल है और यूट्यूब से रिलेटेड चैनल भी है, दूसरा चैनल उन्होंने हाल फिलहाल ही स्टार्ट किया है। और वो ना कुकिंग से रिलेटेड वीडियो डालती है और बहुत ही इजी वे में वे खाना बनाना बताती हैं, जो हमारा खाना बनाने में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो हमारे किचन में अवेलेबल मिल जाए, बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाए और अच्छे से नॉर्मल अच्छे से अच्छे तरीके का वो खाना बनाना बताती हैं। और उनकी रेसिपीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ और इस मुकाम तक वो यूँ ही नहीं पहुँच गई हैं। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और उनका एक और चैनल है रक्षा की रसोई ब्लॉग, जिनमें ना वो यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस डालती हैं, बहुत ही इजी वे में वो बताती हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे वो बताती हैं कि वीडियोस में व्यू नहीं आते हैं, नए यूट्यूबर्स हैं तो किस तरह से अपने व्यूज़ बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, वो बहुत ही इजी वे में बताती हैं और स्टेप बाय स्टेप बताती हैं, अपना एक्सपीरियंस वो उसमें ज़्यादा शेयर करती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। जब से मैंने रक्षा की रसोई ब्लॉग्स देखा है ना, और वो जब यूट्यूब के बारे में बताती है ना, तो मैं उनको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा खासा ही रिजल्ट मिला है। और कुकिंग वीडियोस तो मैं उनको उनकी देखती ही देखती हूँ और काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं फॉलो भी करती हूँ, बनाती हूँ, अच्छी बनती है। और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अगर आप नए यूट्यूबर हो ना, तो आप प्लीज़ 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 उनका जो ये चैनल है रक्षा की रसोई ब्लॉग, उनमें वो YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाती हैं, बताती हैं अच्छे से, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियो भी उनको फॉलो कीजिएगा। वो बहुत ही इजी वे में कुकिंग करना बताती हैं। और उन्होंने भी ना अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। मैं उनकी बातों से मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। मैं भी ना कुछ दिन पहले सोच रही थी कि मैं YouTube छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे भी व्यूज़ नहीं आते हैं, मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है। अभी मैं हाल फिलहाल में ही शुरू की हूँ, लेकिन मेरा 1 ईयर भी हो चुका है और वीडियोस भी मैं काफ़ी ज़्यादा डाल चुकी हूँ। उस वे में मेरे अभी व्यूज़ नहीं आते हैं, इसीलिए ना मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। बट जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ ना, तो मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और उनको मैं फॉलो करती हूँ। और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, तब वो इस मुकाम तक पहुँची है। तो आप भी स्ट्रगल कीजिए और मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ उस मुकाम तक पहुँचने के लिए। और रक्षा दीदी ने वीडियो बनाया था, वीडियो में बताया था वो हमारी इस तरह से छोटे छोटे यूट्यूबर्स की हेल्प करेंगी, तो इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि कम से कम आपने हम लोगों के बारे में सोचा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और इसी तरह आप ग्रो करते रहें। 60 लाख है, कल 70 लाख हो जाएंगे, सभी के दिलों में आप राज करें, बस यही मैं बताना चाहती थी वीडियो में। और आज का वीडियो ना बस यहीं तक था। अगर वीडियो ज़रा सी भी यूजफुल लगी, अगर ज़रा सी भी आपको पसंद लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।